नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं आपका GS एजुकेटर नवदीप सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके जादुई नुस्खे के साथ। अब ये ट्रिकी GS विद कंसेप्ट सीरीज में दूसरा एपिसोड है, जिस एपिसोड में आज हम जानने वाले हैं बैटल्स फॉट बाई बाबर भाई, एक ऐसा महान योद्धा जिसे इस्लामिक इतिहासकार और बाकी अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के इतिहासकार बहुत महान बताते हैं। उस योद्धा के बारे में बात करते हैं जिसने लड़कियों में, औरतों में इंटरेस्ट ना होने के बावजूद 13 शादियां की और उनसे 15 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए। ऐसे ऐसे इतिहास में अलग अलग तरीके के शासक रहे हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मज़ेदार सेशन ये होने वाला है। पर ये देखिए, आपके सामने एक तस्वीर है, आपके सामने और मेरे पीछे, ये है मुग़ल सम्राट बाबर की, जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। और बाबर के द्वारा भारत में आकर के जो लड़े गए युद्ध हैं उनकी एक बढ़िया सी ट्रिक है जो मैं आपके सामने बना करके लाया हूँ, पानी पी के खाना खा के चांदनी चली घाघरा पहन के। अब ये क्या है भाई, पानी पी के खाना खा के चांदनी चली घाघरा पहन के? और सबसे पहले याद रखना कि पानी का मतलब है बैटल ऑफ पानीपत से, पानी मीन्स द बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम याद रखिए पानीपत, और पानीपत का पहला युद्ध जिसकी हम बात कर रहे हैं 1526। फिर उसके बाद खाना का मतलब है खानवा से, खानवा का मतलब 1527। फिर उसके बाद है चांदनी, जिसका मतलब है चंदेरी से, और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। और उसके बाद है घाघरा, घाघरा यानी बैटल ऑफ घाघरा, और ये युद्ध हुआ था 1529 में। और उसके बाद 1530 वो वक्त है जब बाबर की डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा क्रम जिस क्रम में ये महान योद्धा भारत आया, भारत आने के बाद इसने लड़ाई की, और लड़ाई करने के बाद ये 1530 में दिवंगत हो गया। लेकिन महान योद्धा ये कहा जाता है वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा, लेकिन भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें या दक्षिणपंथी इतिहास की बात करें, वहाँ पर इतना ज़्यादा महान कहना थोड़ी इतिहास के हिसाब से गलत होता है। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं इसे इतिहास के हिसाब से कि बाबर ने ऐसा क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बाबर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ये जान लीजिए कि बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यस, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। और मुगल साम्राज्य के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कि मुगल साम्राज्य को स्थापित किया बाबर ने, उसे सींचा अकबर ने, लेकिन वो अपनी ऊंचाइयों पर शाहजहां के शासनकाल में पहुंचा। तो याद रखेंगे कि तीन ये जो राजा हैं ये बहुत ही ज्यादा मुख्यतः महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, और तीसरा है शाहजहां, जिनके काल में न सिर्फ मिलिटरली बल्कि अगर आर्किटेक्चर की बात करें, आर्ट की बात करें, या किसी और डायमेंशन में बात करें, वहाँ मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचा। खैर, बाबर नाम का मतलब होता है टाइगर, या कभी कभी लॉयन बोलते हैं इसे, यानी बाघ या शेर कह सकते हैं। ओरिजिनल नाम जो बाबर का था वो था जाहिरुद्दीन मोहम्मद। बाबर के पिता का नाम था मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा, और मिर्ज़ा टाइटल को बाबर ने अपने नाम से हटाया था। पहले जितने भी तिमुरिड शासक हुआ करते थे उन सभी तिमुरिड शासकों के नाम पे अपने पिता के नाम को लगाया जाता था, लेकिन इस मिर्ज़ा टाइटल को बाबर ने अपने नाम से हटाया था, वरना बाबर का नाम होता मिर्ज़ा जाहिरुद्दीन मोहम्मद। मिर्ज़ा टाइटल को हटा करके बाबर ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसे कहा जाता है बादशाह। मूल नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद आपके सामने है, जन्म हुआ था 15 फरवरी 1483, फरगना नाम की एक जगह है उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वहाँ, और जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है। और मृत्यु हुई थी बाबर की 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी खुद की चुनी हुई जगह काबुल में इसे दफना दिया गया। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे क्या कहानी है भाई। पिता और माता का नाम आपके सामने है, और बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि एक मंगोल योद्धा जिसका नाम था चंगेज खान, जिसे इतिहास का अब तक का सबसे भीमकाय तानाशाह कहा जा सकता है, या जो सबसे बड़ा इतिहास का अभी तक का योद्धा है जिसने पूरा मिडिल ईस्ट तक कब्जा किया उसके, और साथ ही साथ तिमूर लंग जिसने 1398 में इंडिया पर अटैक किया था उसके, इन दोनों के साथ बाबर के जो लिंक्स हैं, एंसेस्टेरियल लिंक्स हैं, वो लिंक्स मिलते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि बाबर इन्हीं का वंशज है। और इसके साथ साथ अब बाबर के बारे में कहानी क्या है कि भाई बाबर ने बार बार भारत पर अटैक करने की कोशिश की, और ये भारत पर जो अटैक कर रहा था वो इस मॉडर्न डे पंजाब वाले पाकिस्तान एरिया में अटैक किया था बाबर ने। लेकिन बाबर को एक न्योता मिला, इब्राहिम लोदी उस समय पर दिल्ली और आगरा में शासन कर रहा था। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी का था, और उसी के अंकल यानी उसी के चाचा आलम खान ने और उसके पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर भारत पर आक्रमण करता है 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई, जिस पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गया।
और हारने के मुख्य जो कारण थे उनको अगर स्टडी किया जाए तो ये देखते हैं हम लोग कि इब्राहिम लोदी की आर्मी बाबर की आर्मी से आउटनंबर्ड थी, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा थी, बट उसके बावजूद बाबर का जो कंपोज्ड दिमाग है या उसकी एक्सीलेंट मिलिट्री टैक्टिक्स जिनको कहते हैं, जिसे कहा जाता है व्हीलिंग टैक्टिक्स। अब व्हीलिंग टैक्टिक्स क्या है, ये आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, मैं इसे गोले में भर रहा हूँ, व्हीलिंग टैक्टिक्स। देखिए व्हीलिंग टैक्टिक्स एक बेसिक इस तरह का तरीका है जहाँ पर ये जितने तिमूर वंशीय शासक थे ये सब अपनी आर्मी को 5 फ्लैंक में डिवाइड करते थे, यानी 5 में। अब 5 में से ये लेफ्ट राइट और सेंटर फ्लैंक तो बनाते ही थे, और लेफ्ट राइट सेंटर फ्लैंक बनाने के बाद खुद चौथे फ्लैंक के साथ लीड करके आगे की तरफ बढ़ते थे, लेकिन पांचवा फ्लैंक हमेशा रिजर्व रखते थे और उसका उपयोग तभी करते थे जब युद्ध में निर्णायक मोड़ आ जाता था। उसी समय पर वो पांचवें फ्लैंक को यानी फ्रेश आर्मी को एकदम ग्राउंड पे एंटर करवाते थे और फ्रेश आर्मी पूरे खेल को बाबर के पांसे में पलट देती थी। तो बिल्कुल ये याद रखिए कि बाबर की जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो नो डाउट भारतीय जितने भी योद्धा थे उन सभी से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। अपनी यूजुअल स्पीड से आगे बढ़ते हुए बाबर ने 3 दिनों के अंदर दिल्ली में और उसके बाद 4 मई 1526 को आगरा में कब्जा कर लिया। आगरा के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आगरा को बसाया था इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी ने 1504 में, ये याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये है आपके सामने एक पानीपत के युद्ध का दृश्य। इस पानीपत के युद्ध में भयानक मारकाट हुई और भयानक मारकाट के बीच बाबर विजयी हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई, बाबर ने अपनी आर्मी को जब बढ़ाया भारत में उस समय पर तत्कालीन जो सबसे बड़ा थ्रेट सबसे बड़ा खतरा नज़र आया वो था मेवाड़ कन्फेडरेसी। मेवाड़ कन्फेडरेसी में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह या जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है वो लीड कर रहे थे, और राजपूताने के बहुत सारे राजा थे जो उनके साथ थे, उन सभी राजाओं ने मिल करके एक जॉइंट आर्मी बनाई। हालांकि राणा सांगा की आर्मी नो डाउट बाबर की आर्मी से साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन राजपूतों की जो ट्रेडिशनल वॉर मेथड है, जो एक पारंपरिक युद्ध की गतिविधि है, उस गतिविधि को उन्होंने इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हाथियों को आगे रखा एंड देन उसके बाद फिर वो पीछे से आगे बढ़े। अब राजपूतों की आर्मी 3 फ्लैंक में डिवाइडेड थी, वहीं बाबर की आर्मी को उसने 1 फ्लैंक बिल्कुल अच्छे तरीके से सेफ रखा हुआ था। बाबर ने कैनन्स का यूज़ किया, कैनन का मतलब होता है तोप, तोपों का यूज़ किया। जो हाथी थे उन हाथियों में भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड यानी भगदड़ मचने के कारण सारे के सारे हाथी रिवर्स डायरेक्शन में भागे और कहीं ना कहीं राजपूतों की आर्मी को ही नुकसान पहुंचा दिया। इसके साथ अलग कारण और भी हैं कि इब्राहिम लोदी के कुछ सगे संबंधी जो पहले राणा सांगा की तरफ थे वो बाद में जाकर बाबर से मिल गए और ऐन वक्त पर पवार राजपूतों की भी एक सेना 6000 की टुकड़ी के साथ बाबर के साथ मिल गई, जिसकी वजह से इस निर्णायक युद्ध में राणा सांगा हार गए। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 16 मार्च 1527 का ये युद्ध था जिस युद्ध में मेवाड़ हारा, और मेवाड़ के हारने के बाद भारत में बाबर की सत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, बाबर का तीसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ने के बाद बाबर ने सबसे पहले चंदेरी की तरफ मार्च किया। अब देखिए चंदेरी जो है ये एक जगह है मध्य प्रदेश में, एमपी में, अभी फिलहाल अगर इसे देखें तो ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है जो कि ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये चंदेरी में जा करके यहाँ के राजा मेदिनी राय को बाबर ने चैलेंज किया। पहले तो बाबर ने मेदिनी राय के साथ थोड़ा बहुत समझौता नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन मेदिनी राय नहीं माना, जिसकी वजह से बाबर ने रातों रात उसके किले पर हमला कर दिया और रातों रात उस किले पर कब्जा करने के बाद ये देखा कि उस किले की जितनी भी औरतें थीं उन सभी औरतों ने जौहर कर लिया। अब देखो यार, ये राजपूतों के यहाँ एक परंपरा थी जौहर। जौहर एक ऐसी परंपरा है जिसके बारे में अमीर खुसरो ने सबसे पहले लिखा है। अमीर खुसरो आप लोग जानते हैं, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक एक्सीलेंट स्टेट्समैन हुआ करता था, एक बहुत बढ़िया स्टेट्समैन था। अमीर खुसरो ने जब पहली बार जौहर के बारे में लिखा तो वहाँ पर अमीर खुसरो ने जिक्र किया था रावल रतन सिंह और मेवाड़ का, रावल रतन सिंह और मेवाड़, तो ये याद रखेंगे आप लोग। दूसरा, जौहर जब किया, जौहर करने के बाद जो जल जाती हैं स्त्रियां, एक अग्निकुंड बना करके जिंदा उसी में कूद जाती हैं, उसके बाद उनकी बची हुई जो राख थी उस राख को और तुलसी के पत्ते चबा करके जितने रणबांकुरे थे चंदेरी के वो सभी के सभी आगे की तरफ बढ़े। उस राख से उन्होंने तिलक किया जिसे राजपूत ट्रेडिशन में साका कहा जाता है,
ये साका करने के बाद वो सारे राजपूती सैनिक आ करके बाबर की आर्मी से भिड़े और निर्णायक जो युद्ध था निर्णायक युद्ध में बाबर की विजय हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बाबर के द्वारा लड़ा गया जो चौथा युद्ध है उसका नाम है बैटल ऑफ घाघरा। ये घाघरा का युद्ध लड़ा गया 6 मई 1529 को, जैसा कि आपके सामने है ये डेटा। इब्राहिम लोदी का कजिन मोहम्मद लोदी, और मोहम्मद लोदी को सपोर्ट कर रहा था बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह। मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह इन दोनों ने एक जॉइंट आर्मी बनाई और जॉइंट आर्मी बना करके बिहार के आउटस्कर्ट में ये लड़ाई लड़ी जिसे बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। हालांकि उस समय पर बाबर ने नो डाउट बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन कभी भी विजयनगर किंगडम को डिस्टर्ब नहीं किया। शायद इसके पीछे वजह यह है कि बाबर की बहुत जल्दी डेथ हो गई, जिसकी वजह से इतिहासकार ये कहते हैं कि विजयनगर किंगडम की तरफ बाबर ने कभी भी आंख उठा करके नहीं देखा, जहां पर राजा कृष्णदेव राय रूल किया करते थे, जिन्हें आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है। चलिए, खैर बाबर के विजयी होने की जो कहानियां हैं वो कहानियां हमने जानी कि ये चार युद्ध थे। अब देखो, वो पानी पी के, खाना खा के, चांदनी चली घाघरा पहन के, जो हमारी एक ट्रिक है उस ट्रिक से आप ये सारे के सारे याद कर सकते हैं। 1526, 27, 28, 29 और 1530 में बाबर की डेथ। खैर, बाबर की डेथ आगरा में हुई, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बाबर की तबीयत जब ख़राब हुई तो बाबर के ही आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने उसे पॉइजन देकर के मारने की कोशिश की, लेकिन हुमायूं, जो कि उस समय लगभग 21-22 साल का हुआ करता था, उसने तुरंत आगरा में जा करके अपना क्लेम स्थापित किया और क्लेम स्थापित करने के बाद उसने आगरा में खुद को मुगल एम्परर स्थापित कर दिया, यानी मुगल बादशाह स्थापित कर दिया। खैर, आगरा में डेथ होने के बाद आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कब्र खोद करके इसे काबुल में इसकी जगह पर दफना दिया गया। तो बाबर की जो कहानी है, बाबर की कहानी आप लोगों ने देखी कि बाबर कितना बड़ा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित किया। लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बाबर के बारे में एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, यानी बाबर की आत्मकथा है, जो कि बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुर्की भाषा में लिखी हुई तुजुक ए बाबरी, और तुजुक ए बाबरी को कम्प्लीटली फारसी भाषा में यानी पर्शियन में ट्रांसलेट किया था मुगल सम्राट अकबर के दरबार में मौजूद एक नवरत्न ने, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खानेखाना। अब्दुल रहीम खानेखाना ने इसे जब पारसी भाषा में ट्रांसलेट किया तो इसका नाम रखा बाबरनामा। खैर, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बाबर ने 1507 में जब काबुल को जीता था तो उसके बाद पातशाह की पदवी ली थी और मिर्ज़ा अपने नाम के आगे से हटाया था। साथ ही साथ बैटल ऑफ खानवा जीतने पर गाजी की उपाधि ली और बाबर ने इसके साथ साथ कलंदर की उपाधि भी ली थी। तो बाबर से जुड़े ये जितने भी फैक्ट्स हैं, बाबर से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं, ये कहानियां हमने आपसे डिस्कस की। बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा, एक एक्सेलेंट मिलिट्री कमांडर। अगर हम इसे एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट मिलिट्री कमांडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए, तो इन सभी के बाद बाबर की ये जो कहानी है, बाबर की कहानी होती है ख़त्म। मैं आपसे लेता हूँ विदा और बहुत जल्दी हम मिलेंगे ट्रिकी GS के तीसरे एपिसोड के साथ, जहां पे हम एक कॉन्सेप्ट जानेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी सी कहानी, जो कि किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, इट मे बी फ्रॉम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं बहुत जल्द।